हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। आज का शेड्यूल थोड़ा बिजी है इसलिए आज हम यहाँ से थोड़े दूर धांगरा नाम के शहर में जा रहे हैं। वहाँ थोड़ी खरीदी करेंगे और थोड़े अपने एक दो दोस्तों से मिलना है, इसलिए उसका इनविटेशन आया था, इसलिए हम उसकी दुकान पे भी जाएंगे और मज़े करेंगे और आगे का ब्लॉग आप कंटिन्यू करें। यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड से सीधा धांगरा के बस स्टैंड, वहाँ से अपने फ्रेंड की दुकान पे जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बस स्टैंड पर हमारा एक दोस्त वेट कर रहा है, इसलिए सीधा हम उसको मिलने जाते हैं। आगे का ब्लॉग आप कंटिन्यू करते रहे। हेलो गाइस, हम लोग आ गए बस स्टैंड। अभी यहाँ से हम हमारे दूसरे फ्रेंड के दुकान पे जाने वाले हैं और ये है हमारा मित्र निकुल चौहान, और ये पूरा दिन बस स्टैंड में ही घूमता रहता है और ये देखो शर्मा रहा है। बस स्टैंड का नज़र आप लोग देख सकते हो, बस स्टैंड में बहुत सारे लोग हैं इसलिए ये शर्मा रहा है, देख सकते हो। मैं भी बस स्टैंड में हूँ और यहाँ से हम अपने टैटू आर्टिस्ट एक दोस्त है उसके दुकान पर जाने वाले हैं और इसे भी साथ ले जाने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने टैटू आर्टिस्ट की दुकान पे। यहाँ पे बस स्टैंड से हम निकल गए, अब देख सकते हो बिना कोई देर के हम सीधे टैटू आर्टिस्ट की दुकान पे मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है धांगरा शहर का सिटी सेंटर, यहाँ पे हमारे फ्रेंड की एक बढ़िया सी दुकान है, वो एक टैटू आर्टिस्ट है। चलिए उनसे आपको मिलवाते हैं और बातें कराते हैं। तो गाइस अब हम लोग आ गए अपने फ्रेंड की दुकान पे, आप सबको उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। और वो बहुत ही अमेजिंग फ्रेंड है, हर रोज नए रहे कमाल करते रहते है। देखिए ये हमारा फ्रेंड है, प्लीज हमारे लेके दो शब्द हो जाए भाई। इसके चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और देखो इसकी ये पूरी दुकान है, यहाँ पे शेरवानी भाड़े पे मिलती है, ये पूरा का पूरा टैटू आर्टिस्ट ही है। हम जैसे गरीब लोग आज इनकी दुकान पे आए हैं और ये हमारे स्कूल के फ्रेंड है, हमारी बहुत ही गहरी दोस्ती है, इसलिए हम लोग आज साथ में व्लॉग बनाने के लिए आ गए हैं। तो देखो कुछ कहना चाहते हैं हमारे फ्रेंड। ये बोल रहे हैं कि आप गरीब हैं। भाई गरीब कौन है आपको दिख रहा है, और कमेंट में जरूर लिखना कौन गरीब लग रहा है। सबसे पहले देख लेना यार इसका ये फोन तो देखो यार, A10 लेके आया 60,000 का फोन, हम लोग बना रहे है 10,000 के पोको वाले फोन में, लोग हमको गरीब हमको अमीर बोल रहा है यार। अरे भाई दोस्ती में गरीब और अमीरी नहीं होनी चाहिए, दोस्ती पक्की होनी चाहिए, गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती इसमें। देखो भाई जिसकी दुकान तो देखो यार, हमारा घर भी ऐसा नहीं है, ऐसी तो इसकी दुकान है। देखो हमारे फ्रेंड की दुकान, यहाँ पे कई सारी शेरवानी है भाड़े पे मिलती है, साफे है और बहुत कुछ है। वो भी एक अच्छा सा टैटू आर्टिस्ट है, इसलिए आप हम दोनों आज पूरे धांगरा सिटी का डेली ब्लॉग भी करेंगे और ऐसे ऐसे ब्लॉग भी बनाएंगे, इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहे और ब्लॉग को लाइक करना सब्सक्राइब करते रहे। मिलते हैं आगे। ये देखो कंप्यूटर आर्टिस्ट है ये हमारे भाई साहब, ये कंप्यूटर में कुछ भी घूमे रहे है, कुछ भी नहीं आता, देखो चालू भी नहीं हो रहा है।
वो हमारा कंप्यूटर बिगड़ गया है, चालू भी नहीं हो। देखो भाई, आपको हमारे ऊपर जरा भी दया आए तो इस जीपे पे पैसा ट्रांसफर कर देना, वो सीधे इसके खाते में चले जाएगा और फिर हमें दे देगा वापस। इसलिए हम लोग आज पहला व्लॉग बना रहे हैं हमारे फ्रेंड की दुकान में। चलो वीडियो तो गाइस अब फोन पे हम लोग अब निकल गए हैं इस पूरे सिटी का ब्लॉगिंग करने के लिए, और हम जाने वाले हैं अपने फ्रेंड के एक फोन की दुकान है, उसके यहाँ आईफोन लेने जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड का आईफोन है इसलिए हम आईफोन लेने जा रहे हैं। देखो ये दोनों जा रहे हैं, वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है। तो ये है गाइस हमारा राजकमल चौक, यहाँ से हम लोग आगे जाने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ से हम आगे आगे जाके जाके आगे एक बागीचा आ रहा है उसमें जाएंगे। और देखो हमारा फ्रेंड भी ब्लॉगिंग कर रहा है इसलिए हम आगे जाएंगे। देखो ये हमारी स्वाद मधु, ये पूरे टांगरा सिटी की सबसे महंगी दुकान है, यहाँ की मिठाई दो बहुत ही महंगी आती है। ये देखो हमारे पीछे हमारे दोनों फ्रेंड आ रहे हैं, फेमस है वो, फेमस दुकान। और देखो हम जा रहे हैं बगीचे की ओर, आगे दिखाएंगे और ब्लॉग को कंटिन्यू करो गाइस। रुको रुको दो मिनट, और हम लोग आ गए हैं महर्षि दयानंद चौक के आगे। अब देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया रोड है, यहाँ पे खाना बाना अच्छा मिलता है। और हम देखो गाइस हम लोग आ गए हैं गार्डन में, और यहाँ पे गार्डन का नजर आप सब देख सकते हो। अरे देखो हमारा फ्रेंड वहाँ पे लपचिया खा रहा है, इतना बड़ा हो के भी फिर भी लपचिया खा रहा है। देखो बंदर की तरह चढ़ गया है, वंस मोर। और ये देखो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं भाई साहब, कैसे हो भाई। और ये दूसरा, ये आप लोगों को गार्डन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, और व्लॉग को कंटिन्यू करते रहे। देखो गाइस अब हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, और देख सकते हो आप यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, यहाँ पे बढ़िया नज़ारा है फोटोग्राफी करने के लिए। और हम सब लोग फोटोग्राफी करने यहाँ पे ही आते हैं ज़्यादातर। तो देखो इसके फोटो आ गए हैं, दिखाओ भाई फोटो मुझे दिखाओ। बढ़िया आया फोटो, आप देख सकते हो। देखो गाइस गार्डन का नज़र आप सब देख सकते हो, हम लोग आ गए हैं गार्डन में, यहाँ के कुछ और ही नज़र है। देखो कौवे बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे फूल बोल बहुत ही बढ़िया है। देखो भाई चलो पूरे गार्डन के आपको बड़े बड़े सीन दिखा दूँ। ये देखो भाई ये बढ़िया फूल है, देख सकते हो। हम लोग अब निकल जाते हैं और दूसरे गार्डन में जा रहे हैं गाइस, ये देख सकते हो पीछे गार्डन है। यहाँ पे छोटे बच्चे को खेलने के लिए बढ़िया गार्डन बना है, यहाँ पे बढ़िया गार्डन है। अब इस गार्डन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे थोड़ी मस्ती करेंगे। चलो गार्डन के अंदर जाते हैं और देखते हैं आगे क्या है। गार्डन में बच्चे बूढ़े सभी लोग खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही अच्छा गार्डन बना है। और ये रही चकेड़ी, हमारा फ्रेंड इसमें बैठेगा, ये फ्रेंड बैठेगा इसमें। देखो भाई तू भी बैठ जा यार। देखो अभी गाइस हम एक नमूना लेके आए जो कि ये सब टूल्स है ना, उसको उपयोग कैसे करें ये दिखा रहा है हमको। अभी मजे कर रहा है, बचपन में इसने ऐसे कुछ मजे नहीं किए। ये सब तो हम स्कूल में करते थे, लेकिन
यहाँ पे छोटे बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही अलग अलग चीजें है। देखो ये हमारा भाई आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा है, और ये देखो ये अगर चढ़ के उतर जाएगा तो आर्मी में जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गार्डन का नज़ारा और भी बढ़िया है। वो क्या है, वो गोरा? ये है, ये देखो इसमें भी ये जरूर 2023 में आर्मी के अंदर भर्ती हो जाएगा। और ये भाई का भी सपना है आर्मी के अंदर भर्ती होने का। इतने गर्मी में हम आ गए यहाँ पे लच्छी और बादल फैक्ट्री में। अब देखो यहाँ पे स्नैपचैट में फोटो डाल रहा है।